आज हम आपको दिखाएंगे खेत। ये देखिए गाइस, पर भाई जो धूप है अच्छी खासी धूप है भाई। ये क्या होता है पहले मुझे ये बताएं। गंदम डालते हैं, इसे पंजाबी में पड़ोला कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं। हमें बचपन में अपन गलियों में खेलती थी। क्या गंदम है? गंदम का सीता दिखाऊं तुझे? हमें ध्यान से गिरना नहीं पता चले। धनिया बीज सबस धनिया नहीं क्या होता? ए जी अ जी लो जी सुनो जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरता डोंट वरी, जेबी और कुकिंग विद मी आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी हम ब्लॉग लगाएं आपको नोटिफिकेशन आ जाए न्यू ब्लॉग आ चुका है। तो आज है जुमातुल विदा, आखिरी जुमा ऑफ दिस रमज़ान। आप लोगों को एक दो दिन बाद मिलेगा बट दिस इज़ लास्ट जुमा ऑफ रमज़ान। सो मैं तैयार व्यार हो गया हूँ, अभी हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने। ठीक है, जाके पढ़ते हैं जुमा और फिर मिलते हैं आप लोगों को। सबसे पहले जुमा, ये देखिए गाइस, मोर ने पूरे पंख अपने खोले हुए। चलो भाई अब हम चलते हैं जुमा पढ़ने। आवाज़ें आपको मस्जिदों की आ रही होंगी, सारा गाँव वैसे आज बड़ा सुनसान पड़ा है, जुमा पढ़ने चले गए लगता है। पर भाई जो धूप है अच्छी खासी धूप है भाई, गर्मियों वाली धूप है। मस्जिद करीब ही है, ये आगे साथ ही मस्जिद है। हाँ भाई ये है हमारी मस्जिद यहाँ पे गांव की। चलते हैं इस मस्जिद के अंदर। असल दीन है, असल शरीयत है, असल आखरत वाली जिंदगी है। तो मैंने कहा यार क्या हुआ? चलो भाई जुमा की नमाज हम पढ़े, अब फाइनली आ गए वापस घर। ओ भाई क्या गर्मी है बाहर, इतनी गर्मी। किधर है मेरी अम्मा? इतनी गर्मी है बाहर, जुमा पढ़ गया हूँ गर्मी लग गई मुझे। जन्नत भी तो मिलती है ना। हाँ वैसे जुमातुल विदा था ये तो है। जुमातुल विदा है, और जो है ये तो किस्मत या नसीब, किस किस्मत वाले ने रमजान देखना अगला रमजान। इसलिए ये दिन ये बड़े बरकतों के रहमतों के हैं, ज़ाया नहीं करने चाहिए। नमाज़ें पढ़ें अपनी सारी वैसे भी पढ़ें लेकिन रमज़ान में, और आखिरी जुमातुल विदा फिर पता नहीं किस किस की। वो तो रमज़ान तो आएगा लेकिन हम लोग पता नहीं हम हो या ना हो क्या पता। अल्लाह पाक आप लोगों को ज़िंदगी से दे, बच्चों को तो, बड़े बंदों को तो पता नहीं ना किस वक्त क्या होना है क्या नहीं। तो आप क्या प्लान है मैडम, क्या करना चाहते हैं? मैं कह रही थी जिस दिन के आए हैं उसका अल्लाह के एक दिन ही गए हैं अफ्तारी पे, थोड़ी देर उधर हो आते हैं, घर भी तो बोर ही होने, थोड़ा उनसे बैठते बातें शातें करें घंटा एक बैठ के फिर आ जाएंगे। उधर कोई आसपास खेत वगैरह हैं? खेत देखें आज पैदल चलते हैं, गाड़ी में नहीं ना चलते। हाँ पैदल मतलब खेतों में थोड़ा सा चल के लोगों को खेत दिखाते हैं, खुद भी मैं देखूं खेत कैसे होते हैं। चलो आज हम आपको दिखाएंगे खेत। खेती बाड़ी तो हम करते थे स्पेन में, पर अब आपको हम दिखाएंगे असली खेत। ये क्या होता है? ये क्या होता है पहले मुझे ये बताएं। मेरे से पूछ लो, पूछ। आपसे पूछ लो। इसमें गंदम डालते हैं, इसे पंजाबी में पड़ोला कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, हमने तो पड़ोला ही सुना। जब गंदम आती है ना उसमें साफ करके, अभी इसका मतलब है खाली है इधर तक, क्योंकि जब सीजन पूरे के कैसे कैसे पता चला? ये देखो ये खाली है, ये खाली है, ये भरा हुआ नीचे से दो दो ये ना भर के साफ करके, मतलब दानों गंदम के दानों को सही तरह मिट्टी शिट्टी होती है बीच में निकाल के साफ करके इसमें डाल देते हैं। अब ये जो ताला लगा हुआ है ना ये खोलेंगे, ताला इसलिए लगाते हैं कोई बच्चा शच्चा खोल दे दाने तो फिर बाहर आते जाएंगे। ऊपर ताला भी लगाया हुआ है नीचे भी। अच्छा एक बार खोल दें तो फिर इसको बंद करो तो बंद हो जाता है? हाँ फिर बंद हो जाता है, प्रेशर से निकल रहे होते हैं। नहीं लेकिन वो फिर क्या करते हैं ना एंड पे जब ज़्यादा निकाल लेते हैं ना इसको, ऐसे फट्टी को खुलती है साइड पे करते हैं, ऐसे ऊपर करते हैं फट्टी को, तो वो थोड़े थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता हाथ से दाने दबा के ना फिर बंद कर देते हैं। तो महीने में एक दफ़ा तो आटा बनवाना होता है ना, तो इधर तो बहुत ज़्यादा क्लासेस ऑफ देसी माहौल विद कुकिंग विद अम्मी। तो ये पूरे साल की इनकी होती है ज़िम्मेदारों को, ज़मींदार को, ज़िम्मेदार नहीं ज़मींदार को, आटे का रौला नहीं, चावलों का रौला नहीं,
सब्जियों का रौला नहीं, आलू प्याज का रौला नहीं, मतलब शहर में लोग इसी में ही पिस जाते हैं। अब ये आ गया ना, चावल आ गया, ये आ गया, सब्जियां लगी हुई हैं, सारा कुछ ऑयल शायल है, वो वैसे देसी घी यूज़ करते हैं जो उनकी ज़्यादा गाय शाय होती है, मतलब उसे ना खाने पीने का खर्चे का नहीं, आटा भी लाएं, चावल भी लाएं, ये भी लाएं, हम सारी तनख्वाहें तो शहरों वाले इस पे ख़त्म कर देते हैं। चलो भाई अब चलते हैं हम खेत देखने और फिर खाला के घर। अब हम जाने अपने सामने चलते हुए उधर सारे खेत वगैरह उधर आते हैं यहाँ पे बीच में सारे। सर हमारे घर से खाला का घर ना पैदल थोड़ा सा ही है। हमें बचपन में आप इन गलियों में खेलती थी? नहीं, इनमें नहीं खेले, उन गलियों में खेलती। मतलब पूरा हमारा ही है ना सारा, मतलब एक कोने से लेकर पूरा चौक तक हमारे ही घर है। इधर तो कभी कभी हम ईद पे आते थे, वो जो खाला नहीं फोन करती थी बेल्जियम वाली, उनके अबू का वो घर है। मैं सोच रहा हूँ कि मतलब हम छोटी अम्मी इधर, छोटी सी अम्मा मेरी इधर घूम फिर रही, क्या खेलते थे आप लोग? हम इनके घर आ खेलते थे, वैसे गलियों में नहीं खेलते थे। गुल्ली डंडा ये वो? नहीं, गुल्ली डंडा तो लड़के खेलते थे, हम वो स्टापू होता था, ऐसे लाइनें लगा के वो खेलते थे, स्टापू खेलते थे, स्टापू। तो यहाँ फिर हम वो खेलते थे, वो ये ऐसे रख के ना, वो पता नहीं क्या उसको कहते थे, मिट्टी की वो ऐसे पीस होते हैं छोटे छोटे ठीकरियाँ सी, वो रख के हम उस पर बॉल मारते थे। क्या क्या खेले थे हमारी, देखो रस्सी, पबजी, फीफा। ये मस्जिद है गाँव की। अब क्या लगा हुआ है, कौन सी जमीन है ये? जी वो जगह जहाँ पे हमने घोड़ा चलाया था। वैसे सोलर किस लिए लगे हुए हैं यहाँ पे? वो ट्यूबवेल चल रहा है, वो पानी नहीं, वो ट्यूबवेल है ना उधर लगा हुआ, उधर चल रहा है सोलर। पहले तो वो पीटर के क्या होता था उस पे चलाते थे, अब ये सोलर सोलर पे चलाते हैं सारा। ट्यूबवेल देखे रास्ता उधर से होगा, ये बीच में से है। अब ये सब लगा हुआ क्या, ये भी बताएं? ये तो वो भैंसू का चारा है ना, अभी ये जो इस तरह ये जो गोबर शोबर होता है ना सारा फेंकते रहते हैं, फिर जब वो इकट्ठा हो जाता है फिर जो ज़मीन में डालते हैं तो ट्रैक्टर चला के उसको मिक्स कर। इधर वो क्या लगा हुआ? वो गंदम है, और ये करे लहसुन लगा हुआ है, जैसा हमारे घर भी नहीं लगा हुआ था। ये सब्जी को लगाई है अभी अगले मौसम की, ना अभी सारी कल मेरे पास लगाई है। चलो जाके देख के आते हैं ट्यूबवेल कैसा होता है। ये रास्ता जा रहा उधर जाएंगे, पीटर कहते हैं, पीटर कहते हैं क्या पता नहीं पीटर। इतनी ज़्यादा सोलर एक ट्यूबवेल के लिए? लेकिन वो पता है क्या होता है, उसमें ट्रैक्टर से चलाते हैं और डीजल भी लगते हैं, तो डीजल कितना महंगा है, सोलर सस्ता है ना, सोलर एक दफ़ा वाला खर्चा है। और जितनी पंजाब में लाहौर सरगोधा में गर्मी, सर्दियों में थोड़ा सा मसला होता है, गर्मियों में तो आइसक्रीम वाला फिर आ गया। ये लगा हुआ है ट्यूबवेल, ये पानी है, ये सारा उन्होंने सिस्टम लगा दी है। एक तार आ रही है आगे, बैटरी उधर रखी हो, ये गलती है, बैटरी है, ये लगा हुआ है ट्यूबवेल। ये फ्रेश पानी होता है, ये फ्रेश पानी होता है, जमीन का ताज़ा पानी ट्राई करने। ट्यूबवेल का पानी ट्राई करता हूँ, मैं बदतमीज हूँ, ऊपर से जा रहा हूँ। अच्छा इसका पता क्या, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म पानी आता है, वही ना। जान खेतों में गुस्सा ही है, ये क्या बोल रहे हैं? चुप कर गए, अब चुप कर गए, मेंढक होगा। अच्छा ऐसे खेतों में जा रही हैं जैसे इनको पता है रास्ते कहाँ कहाँ से हैं सब? रास्ते तो नजर आ रहे होते हैं ना, कहीं भी जाने। अब ये भी भाई जगह कितनी से, इतनी सी जगह? हाँ मैंने तो तुझे कहा मैं उस जगह पे नहीं भाई, रहने दो। ये पता क्या गंदम है, गंदम का सीता दिखाऊं तुझे? हमें ध्यान से गिरना नहीं, पता चले इसमें पानी लगा, पानी लगा हुए। वापस आ जाओ, पकड़ा, आ जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ। जो ब्राउन हो गई है ना उनको पानी नहीं लगा, इसको लगाया है। ज़ूम करके दिखा दे। हाँ इसको नहीं, अभी ये सब्ज़ है ना थोड़ी कच्ची है, अभी इसमें दाना कच्चा है थोड़ा, उस तरफ पक्की है, वो दिखाते हैं वो सारे किधर। सर्वे कर रहे हैं हम, सर्वे कर रहे हैं हम लोग। अमित जी मैं सोच रहा हूँ, छोटे होते आते थे ना गाँव से, मतलब डेरे आते, डेरा कहते हैं जमीनों पे, ये जो होता है ना इसको पंजाबी में बन्ना कहते हैं,
इस पर चलते चलते हम गिर जाते थे, कभी खाले में कभी इस तरफ। गिरे भी नहीं आप खाले में? कहीं दफा। पर ये पानी हमें क्या कहता था ऐसे, अब तो गंदे हो गए ना, तब साफ सुथरे पानी होते थे। तो ये कि भाई इतना सा रास्ता होता था, अभी मैं तुझे दिखाऊंगी जिस रास्ते से ना हम डेरे जाते होते थे। वैसे आपस की बात है, मैं सोच रहा हूँ कुछ खेती बाड़ी शुरू कर देते हैं, जितना आपको नॉलेज है ना खेती बाड़ी का। ये मोंगरे हैं जो कल नहीं खाला बैठ के काट रही। क्या है ये? मूली, नीचे मूली लगी होती है ना, ये तो धनिया है। ये देखो ये धनिया है, बीज सबस धनिया नहीं जो होता जब पक जाता है ना, इसके फिर ना इस तरह इसको जो बाजार से हम लाते हैं पिसा हुआ धनिया, इसकी खुशबू देखो कितनी प्यारी है। कहाँ तक है ये मोंगरे हैं, ये मूलियाँ जब पक जाती हैं ना उस पे लगते हैं। ये खाला नहीं बैठ के लगी हुई थी कल, ये उधर नहीं होते, स्पेन में नहीं होते ये, इनको मोंगरे कहते हैं। ऐसे इनको ना इधर से भी काट देते हैं तो इधर से भी, फिर इनको ये दो दो पीस करके ना ऐसे, तो इनको हल्का सा प्रेशर में बंद कर लो या गला कूट लो, फिर मसाले में भून के आलू डाल लो, गोश्त डाल लो जो भी। ये मूली पहले जब पक जाती है ना, ये सारा धनिया और मूली, अब ये बीज रखने होंगे ना इन्होंने। ये देखो ये पौधा, ये वही है पहले जो सब्ज़ है, अब ये पक रहे कितना अच्छा हो रहा है। अम्मा को कोई टेंशन नहीं, पाँव गंदे हो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं अम्मा, स्पीडो स्पीड है जाती जा रही। पाँव गंदे क्या अम्मी, फिर तो ज़रा भी नहीं हुए मेरे, हो रहे मेरे तो नहीं, हमें आदत है, हमें आदत है। वो आदत जो आपको बचपन में थी इधर घूमने फिरने की खेलने कूदने की, अब नहीं रही, अब जवानी नहीं है। खुशी से आते थे, मतलब हमारे लिए बोले। इसको क्या हो गया? अच्छा ये बात सच है, कहते हैं गधे को शैतान नजर आता है जब ये ऐसे वो आवाज में निकालते हैं। वो मैंने दिखाई ना उधर जो तुम्हें गंदा, वो अभी सही पक्की नहीं, अभी उसे में 15-20 दिन लगेंगे। ये जो है ना ये एक हफ्ते तक पक जाएगी। बीच में देखें जो जब ये गोल्डन, वो गोरे क्या कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया में, ये जो गोल्ड है ना इसको गंदम को कहते हैं, ये गोल्ड है इनकी ज़मीन में, गोरे कहते हैं, मतलब इतनी जरहेज़ और इतनी अच्छी। अब ये देखें ना ये सारी, अब ये जैसे ये जिस तरह ये हो गई है ना, अब इसके अंदर मैं दिखाती हूँ दाने आपको गंदम के, अभी देखें निकलने वाले हुए हैं, लेकिन अभी दाना बारीक है, कच्चा है थोड़ा सा। ये जो आप लोग ब्रेड खाते हो, रोटी खाते हो, पिज्जे खाते हो, सब कुछ ना, ये देखो ना ये दाना जो है ना कच्चा है, ये अभी कच्चा है दाना, जब ये पक जाएगा ना, अभी हफ्ता एक लगेगा इसे भी, अभी देखा गोल्डन बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी, तो तब अब ये सिट्टा सबसे ज़्यादा पका हुआ था, लेकिन इसमें भी अभी कच्चा है। दूसरी देखा सब्ज, इन्होंने पहले, ये भी होता है जो पहले लगाते हैं ना उनकी जल्दी पक जाती है, जो देर से लगाते हैं उनकी आहिस्ता। मुझे पता है काफ़ी होंगे बच्चे जिनको नहीं पता होगा इन चीज़ों का, तो उनके लिए दिखा रहा हूँ। ये तुम पिज़्ज़ा बर्गर जो खाते हो ना, यहाँ से आता है सब कुछ, तो इसकी वैल्यू करोगे ना, किसानों की वैल्यू करोगे तब आपको ये चीज़ें मिलेंगी। किसानों के हकूक पूरे करोगे, हुकूमतें, किसान है तो मुल्क है, क्योंकि जितनी काश्तकारी है फ्रूट सब्जियाँ सब कुछ किसान बेचारा इतनी मेहनत करता है, जैसे इससे गवर्नमेंट खरीदती है, इसे ज़ीरो पैसे देती है, खुद महंगे करके बेचती है आगे, लेकिन वही बात है ना हमारा किसान ही जाता है, जो इतनी मेहनत, अभी इस गर्मी में पानी लगा हुआ है, पसीने रोजे में आए पर पसीने निकल गए मास्क में, गर्मी इतनी में काम करना, तो भाई अल्लाह ही हिम्मत है किसानों की जो इस गर्मी में काम करते हैं बहुत ज़्यादा। और जब ये कटवानी है, पहले तो अब तो मशीनें आ गई हैं ना, पहले तो लोग दातरी लेके ना हाथों से काटते थे, बांधते रखते जाते थे, कितने कितने टाइम लगता है तब ये कटती है, फिर उसको इकट्ठा करना, फिर थ्रेशर आना, फिर दाने निकले, अब तो वो पढ़ोला आ गया, ये आ गया, चलते हुए काटते जाओ, अब सहूलतें हो गई हैं, लेकिन जिन्होंने मतलब रखे हैं जानवर रखे होते हैं वो उस तरह ये क्या काट रहे की कटना पे? क्या काट रहे हो? बकरी वास्ते ये कौन से पट्टे हैं? किन्नी बकरियां ने? किन्नी बकरियां ने? दो स्टाला काट रहे हो ना? इसको जाके ऐसे ही डाल दोगे, काट के डालोगे ऐसे ही, बकरियां ऐसे ही खा लेती हैं है ना।
चलो काट लो काट लो। अब देखो ना शहरों में इतने बच्चे जी उठते नहीं, पानी नहीं पीते उठ के, क्यों इन्होंने? कितनी उम्र है? 14 साल। 14 साल? 14 साल, 14 साल के बच्चे काम करते पे ने। उधर 20-20, 30-30 के बच्चे ही रहते हैं शहरों में। बहुत गर्मी लगी है, अभी हम जा रहे हैं खाला के घर। गर्मी उधर उधर बैठेंगे, बहुत गर्मी है भाई। धूप के हालात देखो, इधर छाँव में आ जाओ। मेरे आईफोन पे वार्निंग आ गई है कि फ़ोन बहुत गर्म हो गया, अभी इसको थोड़ी देर ठंडा होने दो। तो मैंने मतलब इतनी गर्मी है, हमारे पाँव हो गए हैं बहुत ज़्यादा गंदे, तो आज हम धोएंगे इस नलके पे पाँव। हमारी शलवार सारी गिली हो गई, बट इट्स ओके, इट वाज वर्थ इट। सलाम करो इधर दोबारा से, क्या अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये आपके यहाँ से कहाँ से सीखा है मोहम्मद हैदर, कहाँ से सीखा है ये? ऐसे कैसे वो वीडियो बना रहे थे पता चला? वो कह रहे मेरी वीडियो बना रहे, मैं भी आपकी। वो आपकी वीडियो बना रहे। आप जरा सलाम करें मोहम्मद हैदर, सलाम करते। ओके गाइस, उसी के साथ आज का व्लॉग हम करते हैं एंड। आई होप आपको अच्छा लगा हो, सारा खेत वगैरह देख के पाकिस्तान की यादें आप लोगों को आ रही हों। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मुझे नहीं समझ आ रही आप लोग कर क्या रहे हो। कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा, लाइक करना मत भूलिएगा और अपना प्यार ऐसे बनाए रखें हमारे साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया एंड लेट्स गेट दिस चैनल टू 20,000 सब्सक्राइबर्स। ट्राई करते हैं जल्दी जल्दी पहुँचने की वहाँ पर। बाकी रोज़ व्लॉग देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसी के साथ आज का व्लॉग हम करते हैं एंड, आपको मिलेंगे हम कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं, डंडे मार रहे हैं। वो लग गए मेरे बच्चे को, लग गई, कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।